एक ऐसा इंसान जिसने आयरन मैन की तरह जो भी मन में आया वो किया और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी जो दुनिया को पूरी तरह से बदल देंगी। बिना किसी एरोस्पेस डिग्री के खुद किताबें पढ़ पढ़ के दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनी बिल्ड की जो रीयूजेबल रॉकेट्स बनाती है। 1925 के बाद से अभी तक की यूएसए की अकेली सक्सेसफुल प्राइवेट कार कंपनी बिल्ड की और ऐसी कार्स बनाई जो खरीदने के बाद और बेहतर होती जाएंगी। ये कार खुद एक चलता फिरता कंप्यूटर है जिसे चलाने के लिए ड्राइवर की भी जरूरत नहीं होगी। दुनिया के पांचवे सबसे अमीर इंसान है और Zip2, PayPal, SpaceX, टेस्ला, हाइपरलूप, OpenAI, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी और सोलर सिटी जैसी बड़ी कंपनीज के फाउंडर और अर्ली इन्वेस्टर हैं, जिनकी नेटवर्थ आज 105 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की हो चुकी है और आज की डेट तक भी ये एक दिन में 16 आवर्स तक काम करते हैं। इनसे इंस्पायर होके मार्वल ने आयरन मैन कैरेक्टर बिल्ड किया और इन्हें ऑनर देने के लिए आयरन मैन की पहली फ्लाइट के वक्त इनकी पहली इलेक्ट्रिक कार टेस्ला रोडस्टर को भी दिखाया गया। और ये रियल लाइफ आयरन मैन नहीं, टोनी स्टार्क फिक्शनल इलॉन मस्क है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वी के सबसे हाइपर एक्टिव इंसान, फ्यूचरिस्टिक सोच वाले रियल लाइफ इन्वेंटर और बिजनेस मैग्नेट इलॉन मस्क की। सो वेलकम टू इवॉल्व फ्रेंड्स, और आज की वीडियो में हम जानेंगे इलॉन मस्क की पूरी बायोग्राफी और जो कुछ भी इनकी अभी तक की लाइफ से हम सीख सकते हैं वो सब एशली वेंस की बुक इलॉन मस्क एंड द क्वेस्ट फॉर अ फैंटास्टिक फ्यूचर से। और ऐसे ही हर हफ्ते दुनिया की बेस्ट बुक्स की बेस्ट लर्निंग्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर कीजिएगा। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती हैं, पर सालों की मेहनत के बाद लिखी गई एक बुक और उसकी बेस्ट लर्निंग्स इतना टाइम तो डिजर्व करती है। लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, तो इस एक्सट्रीमली वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को आधा अधूरा मत छोड़िएगा। इस बायोग्राफी को एंड तक जरूर सुनिएगा और ये मेरा वादा है कि इसे पूरा सुनने के बाद आप पूरी तरह से एक अलग इंसान होंगे। और अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमें ये जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स की ग्रोथ के लिए इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हमारी आज की बुक इलॉन मस्क एंड द क्वेस्ट फॉर अ फैंटास्टिक फ्यूचर। दुनिया इलॉन से पहली बार तब मिली जब एक साउथ अफ्रीकन मैगजीन ने ब्लास्टर गेम का कोड पब्लिश किया था जो कि 12 साल के इलॉन ने डिजाइन किया था। ये 1984 की बात थी जब कंप्यूटर्स में कुछ भी करने के लिए पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड कमांड्स टाइप करनी पड़ती थी। टेक्नोलॉजी तब बिल्कुल भी एडवांस नहीं थी और तभी इलॉन ने एक गेम बना ली थी। साउथ अफ्रीका में 1971 में पैदा हुए मस्क बचपन में बहुत इंट्रोवर्ट थे। उन्हें घूमने का, दोस्तों के साथ मस्ती करने का कोई शौक नहीं था। उन्हें बस एक कोना चाहिए था जहां वो बैठकर बुक पढ़ सके। बाकी बच्चे उनके शर्मीलेपन और एक किताबी कीड़ा होने पे उनका बहुत मजाक बनाते थे। ऐसे माहौल की वजह से इलॉन हमेशा से साउथ अफ्रीका छोड़कर भाग जाने की सोचते और इनके सपने थे स्पेस में जाने के या एक बड़ी कंपनी बिल्ड करने के। और सभी की तरह इस काम के लिए इन्हें अमेरिका सबसे बेस्ट जगह लगती क्योंकि इन्होंने सिलिकॉन वैली के बारे में सुना था जहां लोग अक्सर कमाल की चीजें करते रहते हैं। बचपन से ही इलॉन अपने थॉट्स और स्पेस फैंटेसीज में इतने खोए रहते थे कि उनकी माँ मेई मस्क और पिता इरोल मस्क उन्हें बहरा सोचने लगे थे। डॉक्टर्स ने इलॉन के सीरियस टेस्ट किए और फाइनली उनकी एडिनोइड ग्लैंड हटा दी जिससे कि हेयरिंग ठीक हो, पर इलॉन की हेयरिंग का लेना देना तो दिमाग से था और ग्लैंड हटाने के बावजूद इलॉन की हेयरिंग वैसी ही रही। उनकी माँ का कहना था वो बस अपने दिमाग में खो जाता है और फिर वो एक अलग ही दुनिया में होता है और अब मैं उसे वैसा ही छोड़ देती हूँ। इलॉन के बाकी दो सिब्लिंग्स भाई किम्बल मस्क और बहन टॉस्का मस्क जहाँ खेलने कूदने में लगे रहते वहीं इलॉन के हाथ में हमेशा कोई बुक रहती। दिन में 10 घंटे पढ़ना उनके लिए एक नॉर्मल बात हो चुकी थी और अगर वीकेंड हो तो वो एक दिन में ही दो किताबें पढ़ लेते थे। जब इलॉन थर्ड ग्रेड में थे तो तब एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने अपनी स्कूल लाइब्रेरी और नेबरहुड लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ डाली थी और उनके पढ़ने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। इतनी सारी बुक्स पढ़ने की वजह से इलॉन खुद एक इंसाइक्लोपीडिया बन चुके थे और बहुत सेल्फ डेवलप्ड भी, तो और बच्चों के साथ उनकी उतनी जमती नहीं थी। बाकी बच्चों को वो बोरिंग लगते। जब इलॉन 10 साल के थे तब उन्होंने पहली बार एक कंप्यूटर देखा। वो ऐसी मशीन देखकर हैरान हो चुके थे जिसे हम कुछ भी करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं और उन्होंने अपने फादर से कंप्यूटर लेने की जिद की। फैमिली इनकी वेल्दी थी तो उस वक्त जब सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन फोन भी 10,000 रुपए तक का बिकता था तब इलॉन को अपना पहला कंप्यूटर मिला जिसमें 5 किलोबाइट्स की मेमोरी थी और उसी के साथ थी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे एक वर्कबुक। कंप्यूटर डीलर ने कहा था कि इस बुक के सारे लेसन पढ़ने में तुम्हें 6 महीने तक लग सकते हैं, पर इलॉन इस नए गैजेट से इतने एक्साइटेड थे कि 3 दिन तक बिना सोए उन्होंने ये बुक पूरी पढ़ ली और फिर बाद में खुद का एक गेम बनाया जिसकी हमने पहले बात की थी और $500 के लिए उसे बेच दिया। इनकी स्कूल लाइफ बहुत बेकार रही क्योंकि इन्हें स्कूल में बहुत बुली किया जाता था।
स्कूल में इलोन वो बच्चे थे जिन्हें दूसरे बच्चे हमेशा पीटते रहते हैं। एक बार जब वो 8th ग्रेड में थे तो कुछ लड़कों ने इन्हें सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया और उसके बाद इतना पीटा कि ये बेहोश हो चुके थे और तब भी वो लड़के इन्हें पीटते रहे। किम्बल ने जब अपने भाई को इस हालत में देखा तब इलोन किसी रेसलिंग रिंग में हारे हुए लग रहे थे। तब इलोन को हॉस्पिटलाइज किया गया और फिर हफ्तों के बाद इनकी हालत ठीक हुई। हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी, अलग अलग स्कूल्स में जाने के बाद भी ये बुलीज 3-4 साल तक चलती रही। और एक बार इलोन पीटने के डर से कहीं छुपे हुए थे तो उन्हें बाहर निकालने के लिए लड़कों ने उनके बेस्ट फ्रेंड को पीटना शुरू कर दिया। हाई स्कूल के आगे के साल मस्क ने प्रिटोरिया बॉयज हाई स्कूल में बिताए जहाँ जिंदगी जरा अच्छी थी। पर यूनिक इंटरेस्ट होने की वजह से इलोन का कोई अच्छा दोस्त नहीं बना और ना ही वो स्कूल में कभी किसी लीडरशिप पोजीशन पे रहे। पढ़ाकू होने के बावजूद भी स्कूल में मार्क्स कम रहते थे। उस पर उनकी माँ का कहना था, जो काम स्कूल्स करने को कहते हैं उसमें इलोन इंटरेस्टेड ही नहीं है। और इलोन भी कहा करते, जिंदगी में मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ जाने के लिए मुझे किन ग्रेड्स की जरूरत है। स्कूल्स में मुझे अफ्रीकास जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इसे सीखना मुझे जरा सा भी इम्पोर्टेंट नहीं लगता। सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स और कंप्यूटर, इनमें मेरे वैसे ही हाईएस्ट मार्क्स रहते हैं। मैं कोई अच्छा गेम खेल लूं, सॉफ्टवेयर लिख लूं या कोई और बुक पढ़ लूं, उस सब्जेक्ट में ए लाने की कोशिश करने के बजाय जिसके मेरे लिए कोई मायने नहीं है। 17 साल की एज में मस्क साउथ अफ्रीका छोड़ के कनाडा चले गए क्योंकि उनकी माँ के पेरेंट्स कनाडा से थे और कनाडा उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखी जहां से वो अमेरिका और फिर सिलिकॉन वैली में जा सकते थे। तो इलोन की लाइफ से पहली लर्निंग है कुछ बड़ा सोचना और अपने उस सपने को सच करना। इलोन ने बचपन से ही स्पेस ट्रेवल और बड़ी कंपनी बिल्ड करने के सपने देखे थे और अब 17 साल की एज में साउथ अफ्रीका छोड़कर कनाडा जाके उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदलना शुरू कर दिया। यार, हम में से मैक्सिमम लोगों के साथ होता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारे सपने छोटे होने लगते हैं। बचपन में तो हम बहुत बड़ा बड़ा सोचते हैं, बहुत अच्छी लाइफ सोचते हैं, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, 11th 12th पास करते हैं तो ये सपने छोटे होने लगते हैं। हमारे सारे एफर्ट्स बस अच्छी जॉब या सरकारी जॉब के लिए, अच्छे पार्टनर के लिए और खुद के घर के लिए ही सीमित रह जाते हैं। बड़ी सोच और इस सोच के अनगिनत फायदों पे द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग एक कंप्लीट बुक है जिसकी 5 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बुक समरी पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। और दूसरी लर्निंग है खुद के दिल की सुनना। इलोन को सीखना पसंद था और उनकी इस आदत की वजह से, किताबी कीड़ा होने की वजह से, बाकी सारे बच्चे उन्हें बोरिंग कहते थे, उनके साथ कोई नहीं रहता था। इवन इस अकेलेपन और पढ़ाकू होने की वजह से इलोन को स्कूल में बुली किया जाता था। अगर वो चाहते तो औरों के साथ घुलने मिलने के लिए पढ़ना छोड़कर वही सब करना शुरू कर देते जो और बच्चे करते हैं, पर नहीं, इलोन ने खुद के दिल की सुनी। वो जानते थे कि उन्हें अपनी जिंदगी कहाँ ले जानी है, उन्हें अपनी जिंदगी को कैसा बनाना है, किस काम में लगाना है, भले ही कोई उनके साथ हो या ना हो। और यही हम में से बहुत से लोग मात खाते हैं क्योंकि हम औरों के साथ अलाइन करने के लिए अपने खुद के इंटरेस्ट छोड़ देते हैं और ये बहुत बड़ा कारण रह जाता है मैक्सिमम लोगों की आम और फीकी जिंदगी का। अब जानते हैं मस्क की कनाडा पहुंचने के बाद की लाइफ के बारे में। कनाडा में मस्क अपने कजिन के घर पहुंचे जहां उन्होंने अपना 18th बर्थडे सेलिब्रेट किया और फिर कॉलेज स्टडीज के लिए क्वींस यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। कॉलेज इलोन को काफी अच्छा लगा क्योंकि वहां उनके काफी सारे दोस्त बने और ऐसे दोस्त बने जो उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज की कद्र करते थे। वहां के स्टूडेंट्स को मस्क का एम्बिशन पसंद था और मस्क इस एनवायरमेंट के लिए हमेशा से तरसते थे। कॉलेज जब खत्म होने को आया तो अब कॉलेज के बाद क्या करना है ये सवाल दिमाग में आने लगा। सिलिकॉन वैली जाने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स की जरूरत थी, पर मस्क के पास अभी कोई ऐसी स्किल नहीं थी। तभी पहले तो उन्होंने सोचा वीडियो गेम्स बनाने की क्योंकि उन्हें वीडियो गेम्स बचपन से ही बहुत पसंद थे। पर जब थोड़ा और गहराई से सोचा तो उन्हें महसूस हुआ कि वीडियो गेम्स बना के मैं दुनिया को क्या अच्छा दे पाऊंगा, मैं दुनिया को कैसे जरा सा भी इम्प्रूव कर पाऊंगा। अगर मैंने एक बहुत ग्रेट कंप्यूटर गेम बना भी लिया तो उससे सबको क्या फायदा होगा, सबकी लाइफ कैसे इम्प्रूव होगी। इन सारे सवालों के सही जवाब वीडियो गेम्स को अपना करियर बनाने से मस्क को नहीं मिलते। वो कहते हैं कि मैं कभी भी सिर्फ पैसा कमाने में इंटरेस्टेड नहीं था, मैं वो टेक्नोलॉजीज बनाना पसंद करता हूँ जो कि फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट हैं और सभी के लिए किसी तरह से यूजफुल। और ये है लर्निंग नंबर 3, खुद का फ्यूचर डिसाइड करते वक्त सिर्फ खुद के बारे में ना सोचकर पूरी दुनिया के बारे में सोचना कि जो भी मैं आगे करने जा रहा हूँ उससे मैं दुनिया को क्या दूंगा, क्या मैं कुछ अच्छा सर्व कर पाऊंगा। थिंक लाइक अ मंक से भी हमने जाना था जिंदगी का हाईएस्ट पर्पस है कुछ सर्व करते रहना, दुनिया को उससे बेहतर छोड़कर जाना जितना हमने इसे पाया था। और जो इंसान सर्विस में जीता है वही ट्रूली ग्रेट है। तो इसीलिए अगर आप भी अपना फ्यूचर प्लान करो तो ये जरूर सोचना कि इस काम से मैं दुनिया को और बेहतर कैसे बना पाऊंगा।
तो मस्क जब उन टेक्नोलॉजीज के बारे में सोच रहे थे जो कि फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट हो और सभी के लिए किसी तरह से यूजफुल, तब उन्हें अल्ट्रा कैपेसिटर्स के बारे में पता चला, जो कि एक ऐसी डिवाइस बनने जा रहे थे जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए एनर्जी को स्टोर किया जा सकेगा और फिर अल्ट्रा कैपेसिटर्स एज अ फ्यूल काम करेंगे। तो इन्हें डेवलप करने के लिए मस्क ने फिजिक्स में एडवांस डिग्री लेने की सोची और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। और बहुत लंबे टाइम तक कॉलेज जाने के बाद मस्क ने एक डिसीजन लिया, ये टाइम था 2 दिन। 2 दिन तक स्टैनफोर्ड जाकर फिजिक्स पढ़ने के बाद मस्क ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, क्योंकि अब उन्हें कुछ और मिल चुका था। टेक इंडस्ट्री के लिए 1994 एक ट्रिमेंडस ईयर था, क्योंकि इस साल वर्ल्ड वाइड वेब बना था और इंटरनेट नॉर्मल लोगों तक पहुंचने लगा था। इलॉन मस्क एक फ्यूचरिस्टिक सोच वाले आदमी थे जो आगे क्या होने वाला है ऐसे दुनिया को देखते थे। उन्होंने इंटरनेट का पोटेंशियल देखा और वो समझ गए कि ये आगे जाके बहुत बड़ी चीज होने वाली है। और तभी इन्होंने स्टैनफोर्ड को छोड़कर इंटरनेट पे कुछ करने की सोची। पहले वो डॉक्टर्स के लिए एक ऑनलाइन नेटवर्क बिल्ड करना चाहते थे, पर ये 1994 था और कोई भी इंटरनेट पे इंटरेस्टेड नहीं था और ना ही कोई अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ अपलोड करना चाहता था। तो इलॉन और उनके भाई किम्बल ने स्मॉल लोकल बिजनेसेस की ओर ध्यान देना शुरू किया। इलॉन को महसूस हुआ कि लोकल बिजनेसेस के लिए उनकी इन्फॉर्मेशन और एड्रेस का ऑनलाइन होना जरूरी है, ताकि कोई भी इजीली अपने नजदीकी स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स को ढूंढ सके। जल्द ही ये आइडिया ग्लोबल लिंक इन्फॉर्मेशन नेटवर्क बना, जिसे फिर बाद में Zip2 के नाम से जाना जाने लगा। पर ये सिर्फ एक शुरुआत थी, आगे की जर्नी उतनी आसान नहीं थी। हालांकि किम्बल और इलॉन का आइडिया ग्रेट था, पर स्मॉल बिजनेस ओनर्स को अभी इंटरनेट की ना ही उतनी जानकारी थी और ना ही वो ऑनलाइन होने में इंटरेस्टेड थे। तो इलॉन और उनके भाई को लोकल रेस्टोरेंट्स, हेयर ड्रेसर्स और अलग अलग क्लोथिंग शॉप्स में जाकर इंटरनेट के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ा। फिर अगले ही साल 1995 में इलॉन मस्क के फादर इरोल मस्क ने इलॉन और किम्बल को $28,000 दिए, ताकि वो अपना काम आगे बढ़ा सके। इस पैसे से उन्होंने एक ऑफिस रेंट में लिया। इलॉन एक वर्क हॉर्स थे और रात भर सारी कोडिंग अकेले ही हैंडल करते। Zip2 के लिए काम करते वक्त इलॉन मुश्किल से ही कभी ऑफिस से बाहर निकलते, उनका मैक्सिमम टाइम कोडिंग में ही निकलता। ये बिजनेस उतना अच्छा सर्व नहीं कर रहा था, पर इलॉन का डेडिकेशन बाकी सारे लोगों का मोरल बहुत बूस्ट कर रहा था। यहाँ तक कि जो इन्वेस्टर्स उनके ऑफिस आ रहे थे वो भी काफी इम्प्रेस थे। 1996 में Zip2 को एक मेजर हेल्प मिली जब मोअर डेविड डेल वेंचर्स ने $3 मिलियन इस बिजनेस में इन्वेस्ट किए। इस टाइम तक Zip2 ने ऑलरेडी एक बड़ा काम कर लिया था, जिसमें उन्होंने लोकल बिजनेसेस का बेस्ट डेटा कलेक्ट किया था और गूगल मैप्स और येल्प को कंबाइन करके बेस्ट डायरेक्शन सिस्टम भी बिल्ड किए थे। इसी साल कंपनी में एक मेजर चेंज आया। पहले Zip2 एक डोर टू डोर सर्विस थी, पर अब कंपनी की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई और इलॉन ने न्यूज़पेपर को बेचे जाने लायक सॉफ्टवेयर पैकेज बिल्ड करने शुरू किए, जो कि इस कंपनी की ग्रोथ में बाहर के इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा रोल था। तो उन्होंने इलॉन को CEO से हटा के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बना दिया। ओरिजिनल फाउंडर्स को हटा के पूरी कंपनी खुद कंट्रोल करना वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए एक आम बात है। फिर नए इंजीनियर्स आए और Zip2 की सर्विस के कोर्स दोबारा बने। इन चेंजेस से इलॉन सेटिस्फाइड नहीं थे, वो स्मॉल बिजनेसेस और कंज्यूमर्स को और इंटरेस्टिंग सर्विस देना चाहते थे, पर जब तक अच्छे पैसे आ रहे थे तब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इससे कोई मतलब नहीं था। अप्रैल 1998 में Zip2 डायरेक्टर्स ने अनाउंस किया कि वो अपने कॉम्पिटिटर सिटी सर्च के साथ मर्ज हो जाएंगे, पर ये प्लान बाद में कैंसिल होने की वजह से Zip2 का माहौल काफी डिस्टर्ब होने लगा। मस्क अब भी Zip2 का एक्सपेंड करने पे फोकस करना चाहते थे, पर नया CEO इस बात से डर रहा था। तो इलॉन ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से नए CEO को हटा के फिर से उन्हें CEO अपॉइंट करने को कहा, पर डायरेक्टर्स ने इस बात से मना कर दिया और सिर्फ उनकी ये रिक्वेस्ट ही रिजेक्ट नहीं की, बल्कि उनका CTO का टाइटल भी छीन लिया। 1999 में माइक्रोसॉफ्ट भी सेम मार्केट में आ चुकी थी। ऑनलाइन सर्विसेज का कंपटीशन बहुत बढ़ने लगा और Zip2 लॉस की ओर जा रही थी। तभी बोर्ड ने इस कंपनी को PC मेकर कॉम्पैक्ट को $307 मिलियन के लिए बेच दिया। इसमें से इलॉन को $22 मिलियन का अपना शेयर मिला, जो कि आज के टाइम में लगभग 1.6 बिलियन इंडियन रुपीज है। और यही Zip2 का एंड हुआ। और यहीं से इलॉन मस्क के कैरेक्टर की बहुत बड़ी लर्निंग नंबर 4 निकल कर आती है, जिसकी वजह से इन्होंने जितने भी बिजनेसेस किए वो सारे सक्सेसफुल रहे। और ये क्वालिटी हर उस इंसान में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो ये क्वालिटी उसे बिल्ड करनी चाहिए अगर वो भी सक्सेसफुल बिजनेसेस करना चाहता है। ये क्वालिटी इलॉन के हर स्टार्टअप बिल्ड करने में दिखती है, तो इसे हम सारी कंपनीज के बारे में जानने के बाद ही जानेंगे। तो इस बायोग्राफी में एंड तक बने रहिएगा। और अब चलते हैं इलॉन के नेक्स्ट मूव की तरफ, द पेपेलियर्स। .com क्राइसिस में हुई Zip2 की एंडिंग के बाद मस्क अब सिलिकॉन वैली पहुंचे और इस वक्त तक वो बन चुके थे जो उस वक्त 1999 में हर कोई बनना चाहता था, एक .com मिलियनेयर। पर मस्क के लिए ये काफी नहीं था,
और उन्होंने तुरंत अपने नेक्स्ट स्टेप की प्लानिंग शुरू कर दी। मस्क ने तब अपने पुराने टाइम्स के बारे में सोचा और उन्हें बैंक्स की याद आई। मस्क ने हमेशा से नोटिस किया था कि काफी बैंकर्स रिच तो होते हैं पर उतने ब्राइट और तेज नहीं, और अब ये एक अपॉर्चुनिटी लगने लगी। काफी सालों से मस्क एक इंटरनेट बैंक शुरू करने की सोच रहे थे और उनका मानना था कि जल्द ही ऐसा टाइम आ जाएगा जब लोग लोकल बैंक्स में जाना बंद कर देंगे और अपनी मैक्सिमम बैंकिंग ऑनलाइन ही करेंगे। पर उस वक्त लोगों का कहना था कि ऐसे टाइम में जिसमें कोई ऑनलाइन एक बुक खरीदने तक को सेफ नहीं मानता, तब लोग शायद ही अपनी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन कहीं अपलोड करेंगे। पर मस्क को फ्यूचर की ग्रोथ दिख रही थी और वो अब एक ऑनलाइन फुल सर्विस बैंक बनाना चाहते थे जिसमें सेविंग्स अकाउंट, चेकिंग अकाउंट, ब्रोकरेज सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट सब कुछ हो। ऐसे बैंक बिल्ड करने की टेक्नोलॉजी पॉसिबल थी, पर बैंकिंग और फाइनेंस के कॉम्प्लेक्स लॉस को समझकर ऐसा बैंक बिल्ड करना नामुमकिन सा था। लेकिन हमेशा की तरह बोल्ड मस्क को ऐसी ही मिशंस में मजा आता था और उन्होंने अपने इस प्लान को एक्शन में बदलना शुरू किया। जिप टू से मिले $22 मिलियन का मेजर पार्ट $12 मिलियन मस्क ने तुरंत एक नए स्टार्टअप में लगा दिए जिसका नाम था X.com, और यही पार्ट है जो मस्क को बाकी लोगों से अलग करता है। वो इनसेन अमाउंट में पर्सनल रिस्क उठा सकते हैं और इस रिस्क एपेटाइट के लिए मस्क अपने नाना जी को क्रेडिट देते हैं। एक्चुअली इलॉन के मैटरनल ग्रैंडफादर बहुत एडवेंचरस आदमी थे और एडवेंचर के लिए इनकी फैमिली की जो स्पिरिट थी उसमें कोई बाउंडेशन नहीं थी। 1954 में इलॉन के नाना जोशुआ और नानी विन ने एक 30,000 माइल्स की जर्नी अपने सिंगल इंजन प्लेन से की जिसमें वो अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया जाकर वापस आए और अकेले ऐसे प्राइवेट पायलट बने जो सिंगल इंजन प्लेन में अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया जाकर आए। ये दोनों बिना किसी एडिशनल इंस्ट्रूमेंट के प्लेन लेकर निकल लेते। एक फ्लाइट में तो इनके पास रेडियो तक नहीं था और ना ही एरियल मैप्स थे। ये रोड मैप्स लेकर निकले थे और वो भी आधे गलत थे। इलॉन कहते हैं कि मेरे नाना में एडवेंचर की और क्रेजी चीजें करने की इतनी चाहत थी तो शायद मेरा भी रिस्क के लिए क्रेज उन्हीं से मुझ में डायरेक्टली इनहेरिट हुआ है। बचे हुए पैसे से इलॉन ने $1 मिलियन की मैकलेरन F1 स्पोर्ट्स कार ली, 1800 स्क्वायर फुट का एक कॉन्डो और अपने ग्रैंडफादर से इंस्पायर होके एक स्मॉल प्लेन। X.com की शुरुआत के लिए मस्क ने एक ऑल स्टार ग्रुप बनाया जिसमें 4 फाउंडर्स थे और सभी का मानना था कि बैंकिंग इंडस्ट्री टाइम के साथ बहुत पीछे जा रही है और हद से ज्यादा स्लो हो चुकी है। कंपनी की फंडिंग बढ़ाने के लिए मस्क ने और इन्वेस्टर्स के पास जाना शुरू किया और जैसे जैसे फंडिंग बढ़ी तो ज्यादा इंजीनियर्स आने शुरू हुए और कंपनी को फाइनेंशियल प्रोडक्ट से डील करने के लिए अपना बैंकिंग लाइसेंस मिला। नवंबर तक X.com ने एक छोटा सॉफ्टवेयर बना लिया था जो कि दुनिया का पहला ऑनलाइन बैंक था। गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंश्योरेंस और 3 इन्वेस्टमेंट फंड्स के साथ ये बैंक लॉन्च हुआ था। मस्क के डायरेक्शन में X.com ने कुछ क्रेजी और न्यू बैंकिंग आइडियाज ट्राई किए, जैसे सिर्फ बैंक को यूज करने के लिए साइन अप करने में कस्टमर्स को $20 का कैश कार्ड मिलता था, $10 का कैश कार्ड सर्विस को रिफर करने में मिलता था, और इसी के साथ X.com ने पर्सन टू पर्सन सर्विस भी बिल्ड की जिसमें कोई भी किसी को भी सेकेंड्स में मनी ट्रांसफर कर सकता था सिर्फ उस इंसान का ईमेल एड्रेस डाल के। ये फीचर्स आजकल बहुत से ऐप में कॉमन हैं, पर आज जो ये आइडियाज इतने कॉमन हो चुके हैं इनकी शुरुआत इलॉन ने ही की थी। X.com का पूरा मकसद था कि स्लो मूविंग बैंक से शिफ्ट होकर मॉडर्न दुनिया के फास्ट बैंक यूज करना। ये एक रेवोल्यूशनरी चीज थी और 200,000 से भी ज्यादा लोगों ने इसके लॉन्च के सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर X.com के लिए साइन अप किया। पर जल्द ही X.com का बड़ा कॉम्पिटिटर मार्केट में लॉन्च हुआ। कुछ और ब्रेनी लोग मैक्स लेवचिन और पीटर थील भी अपने स्टार्टअप कोफिनिटी पे एक पेमेंट सिस्टम पे काम कर रहे थे। अच्छे फीचर्स और ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये कंपनीज अब लड़ाइयों में लग चुकी थी। जो भी ज्यादा फास्ट ग्रो करता वो जीतता। दोनों के मिलियंस ऑफ डॉलर प्रमोशन में बर्बाद हुए और मिलियंस बर्बाद हुए हैकर से डील करने में, जो कि हैकर्स को फ्रॉड के लिए नई अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी। मार्च 2000 में X.com और कोफिनिटी फाइनली एक दूसरे से लड़ना बंद करके एक सिंगल कंपनी में मर्ज हो गए और अब X.com के पास 1 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर्स हो चुके थे। ये मर्ज लेकिन इलॉन के लिए बुरा रहा। कंपनीज के मर्ज होने के कुछ टाइम बाद इलॉन की शादी हुई और जब वो हनीमून पे गए हुए थे तो उनकी पीठ पीछे ही उन्हें सीईओ की पोजीशन से हटाने के प्लान्स बनने लगे। कुछ लोग जो मस्क के लिए लॉयल थे उन्होंने मस्क को इस बारे में तुरंत इन्फॉर्म किया, पर जब तक कि मस्क वापस लौटते उससे पहले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पीटर थील को नया सीईओ अपॉइंट कर दिया था। जब मस्क कंपनी में पहुंचे तो बोर्ड से उनके डिसीजन पे दोबारा सोचने को कहा, पर जब ये एकदम क्लियर हो गया कि कंपनी अब उनके हाथ से जा चुकी है तो मस्क सिर्फ एक एडवाइजर रह चुके थे, पर साथ ही साथ वो अभी भी इस कंपनी के लार्जेस्ट शेयर होल्डर थे। जून 2001 तक कंपनी पे इलॉन का इन्फ्लुएंस कम होता चला गया और थील ने X.com को पेपल के नाम से रीब्रांड कर दिया। इलॉन की जगह अगर कोई और होता तो वो थील से चिढ़ता और उसे हटाने की कोशिश करता,
पर इलॉन ऐसे नहीं थे। जो इम्प्रूवमेंट वो कंपनी में लाना चाहते थे उसके आइडिया थील को देते रहते थे। पेपल का ईयरली रेवेन्यू अब 250 मिलियन डॉलर्स तक का हो चुका था। और फिर एक दिन जुलाई 2002 में ईबे ने पेपल को खरीदने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर का ऑफर दिया। बोर्ड ने इस पर एग्री किया और इस डील के बाद मस्क को 250 मिलियन डॉलर्स मिले। किसी दूसरे इंसान को अगर ये अमाउंट मिलता तो शायद वो अब रिलैक्स हो जाता, पर इलॉन के लिए तो ये पैसे अपने और भी वाइल्ड ड्रीम्स को सच करने के लिए थे। ये है फिफ्थ लर्निंग एक ग्रोथ माइंडसेट की। 30 साल की उम्र में मिलियनियर बने मस्क चाहते तो अब पूरी जिंदगी आराम से बैठकर गुजार सकते थे, पर नहीं, ये अपनी जिंदगी को इतने सस्ते में नहीं बेचना चाहते थे। इन्होंने तुरंत नेक्स्ट स्टेप लिया कि अब आगे क्या करना है। अपने पहले दो स्टार्टअप से मस्क ने सीखी कंपनी के सीईओ बने रहने की इम्पोर्टेंस। मस्क हमेशा से ही कंपनी को चलाने के लिए टीम की इम्पोर्टेंस को समझते थे, पर अब उन्होंने जाना कि किसी को भी इतनी पावर नहीं देनी चाहिए कि वो कंपनी के फाउंडर को ही सीईओ की जगह से रिप्लेस कर दे। आगे बढ़ते हैं इस बायोग्राफी में और जानते हैं इलॉन मस्क की स्पेस फैंटेसीज। मस्क को जब पेपल के सीईओ की पोजीशन से हटाया गया तो मस्क को अपने बचपन के दिन याद आए कि कैसे वो हमेशा स्पेस फैंटेसीज में खोए रहते थे। तो मस्क ने सोचा कि अब स्पेस में ही कुछ किया जाए। मस्क ने फिर उन ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढना शुरू किया जो ऑलरेडी इस काम को कर रहे हों, और उन्हें मार्स सोसाइटी मिली, जिनका प्लान था एक ऐसी कैप्सूल बनाना जो कि अर्थ की ऑर्बिट में घूमती रहेगी और इसके अंदर माइस का एक ग्रुप होगा। इस कैप्सूल में पूरे मार्स का एनवायरनमेंट होगा और 1/3 ग्रेविटी भी। लिविंग बींग्स अगर मार्स में रहना शुरू करें तो वो कैसे बिहेव करेंगे ये जानने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, और वो माइस इसी कैप्सूल में रहेंगी और रिप्रोड्यूस भी करेंगी। मस्क ने जब इस प्लान के बारे में सुना तो उन्होंने इससे भी कुछ बड़ा सोचा। मस्क ने सोचा कि माइस को सिर्फ अर्थ की ऑर्बिट तक भेजने के बजाय क्यों ना उन्हें सीधा मार्स में ही भेज दिया जाए। जैसा कि हमने शुरू में जाना था, ये रियल लाइफ आयरन मैन है। इनके जो भी मन में आया इन्होंने किया। तो अब मस्क ने खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर दिया जिसका नाम उन्होंने द लाइफ टू मार्स फाउंडेशन रखा। पर यहाँ जो चीज स्पेस एक्सपर्ट को परेशान कर रही थी वो था मस्क का बजट। मस्क इस स्टंट में $20 मिलियन से $30 मिलियन तक खर्च करना चाहते थे। सब जानते थे कि सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च की कॉस्ट ही इस पैसे को पूरा खा जाएगी। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मस्क को पता चला कि रशिया एक ऐसी कंट्री है जहां रॉकेट्स की क्वालिटी भी अच्छी रहती है और उनकी कॉस्ट जरा कम होती है। तो उन्होंने अब रशिया जाने के लिए एक ट्रिप प्लान की। मस्क रशियन से एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल खरीदना चाहते थे ताकि वो उसे लॉन्च व्हीकल बना सके। मस्क के कुछ कॉलेज फ्रेंड्स को जब इस बात का पता चला तो वो जल्द ही मस्क के पास पहुंचे और उन्हें समझाने लगे कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, ऐसा करने से तुम अपनी सारी वेल्थ खो दोगे, तुम इन स्पेस एक्सपेरिमेंट्स में पैसा बर्बाद मत करो। इनमें से एक फ्रेंड रेसी ने मस्क को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो इनका डिसीजन जरा सा भी नहीं बदल पाया। तो वो मस्क के साथ ही रशिया चले गया ताकि वो मस्क को जरा सा भी समझा सके। मस्क ने अपने साथ माइक ग्रिफिन को भी लिया जिसके पास एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और अप्लाइड फिजिक्स में डिग्रीज थी। उसने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, लॉन्च कंपनीज और जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी JPL में भी काम किया हुआ था जो कि रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट बनाती है। ये एस्टिमेटेड था कि 2005 में ग्रिफिन नासा का हेड बन जाएगा, पर तब से 4 साल पहले वो इलॉन के साथ रशिया जा रहा था। मस्क का ग्रुप 4 महीनों में रशियन से 3 बार मिला, पर मीटिंग्स उतनी अच्छी नहीं रही। रशियन इलॉन को सीरियसली नहीं ले रहे थे, उन्हें ये तक नहीं लग रहा था कि ये लोग मिसाइल खरीदने के लायक भी हैं। तो मस्क ऐसे में इरिटेट होकर अगली मीटिंग में अपने साथ $20 मिलियन लेकर बैठे, और उन्हें लगा था कि इससे वो 3 ICBMs तो खरीद ही लेंगे जिन्हें फिर वो रिटूल करके स्पेस में जाने लायक बना लेंगे। पर अब जब रशियंस ने एक मिसाइल की कॉस्ट बताई तो वो थी $8 मिलियन। मस्क $8 मिलियन में 2 मिसाइल खरीदना चाहते थे और ये रशियंस के लिए एक मजाक सा था। इस मीटिंग के बाद मस्क की टीम का मूड बहुत खराब हुआ। ये बात थी फरवरी 2002 की, और मीटिंग खत्म होने के बाद इलॉन और उनकी टीम एक कार से एयरपोर्ट की ओर जा रही थी। कार में सभी लोग एकदम शांत थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, पर इलॉन अपने लैपटॉप में कुछ कर रहे थे। ग्रिफिन और रेसी सोच रहे थे कि ये अभी क्या कर रहा है, और इतने में ही अचानक से ही इलॉन ने उन दोनों को एक स्प्रेडशीट दिखाई और बोले, हम ये रॉकेट खुद भी तो बना सकते हैं। ये होती है डिजायर की पावर जो एकदम सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड बना देती है। इलॉन की जगह अगर कोई और होता तो 4 बार की फेल्ड मीटिंग के बाद और रॉकेट की अपनी एक्सपेक्टेशन से दुगनी कॉस्ट देखकर ये प्लान छोड़ देता, पर इलॉन में अब स्पेस ट्रेवल की इतनी चाहत आ चुकी थी कि किसी भी हालत में उन्हें ये करना था। और सबके दुखी होने पर भी 1 मिनट के लिए भी इलॉन शांत नहीं बैठे, वो तुरंत कोई और सॉल्यूशन ढूंढने लगे। और ये है लर्निंग नंबर 6, किसी भी बड़े अचीवमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है डिजायर, एक बेइंतहा चाहत उस चीज को पाने की, जो कि हमने थिंक एंड ग्रो रिच में भी जाना था।
अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं, तो जरूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा। स्प्रेडशीट में मस्क की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो एग्जिस्टिंग लॉन्च कंपनीज को हटा के एक छोटा रॉकेट बना सकते थे जो कि स्मॉल सैटेलाइट्स और रिसर्च इक्विपमेंट को स्पेस तक ले जाए। माइस का आइडिया उन्होंने छोड़ दिया था और अब वो सीधा इंसानों को स्पेस में ले जाना चाहते थे। और इसी के साथ इस डॉक्यूमेंट में उन सारे इक्विपमेंट्स की कॉस्ट लिखी हुई थी जो एक रॉकेट बनाने के लिए जरूरी है, और रॉकेट की पूरी परफॉर्मेंस डिटेल, उसका वेट, कौन सा फ्यूल उसमें यूज होगा, ये सारी डिटेल्स भी इलॉन ने उसमें लिखी हुई थी। मस्क के फ्रेंड ने पूछा, तुम्हें रॉकेट्स की इतनी नॉलेज कहाँ से मिली? मस्क ने बताया कि पिछले महीनों में उन्होंने एरोस्पेस की बहुत सारी बुक्स पढ़ी और इस इंडस्ट्री को भी एनालाइज किया था, और बिना किसी एरोस्पेस डिग्री के खुद किताबें पढ़ पढ़ के मस्क रॉकेट के बारे में मैक्सिमम चीजें सीख चुके थे। और ये है लर्निंग नंबर 7, खुद के पोटेंशियल को समझना। आज के डेट में बहुत छोटी एज से ही बच्चे स्कूल जाने के साथ साथ ट्यूशन जाना शुरू कर देते हैं, जबकि अगर वो खुद बैठकर चीजों को समझना शुरू करें, खुद से पढ़ें, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल में जमीन आसमान का अंतर होगा। वापस अमेरिका पहुंचने के बाद मस्क ने और भी स्किल्ड इंजीनियर्स ढूंढे, जिनमें से टॉम म्यूलर और क्रिस थॉम्सन उनके काफी अच्छे दोस्त बने। म्यूलर ने अपने बचपन से ही रॉकेट्स बनाना शुरू कर दिया था और थॉम्सन बोइंग में एक एरोस्पेस इंजीनियर था। जब अच्छी खासी टीम इकट्ठी हो चुकी थी तो मस्क ने सबसे कहा, अगर तुम लोग तैयार हो तो चलो इसे करते हैं। और फिर जून 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज SpaceX, एक प्राइवेट रॉकेट कंपनी मस्क ने लॉन्च की। मस्क ने डिक्लेयर किया कि SpaceX के पहले रॉकेट का नाम फैल्कन 1 होगा। ये उस टाइम की बात थी जब 550 पाउंड का वेट स्पेस में पहुंचाने की कॉस्ट $30 मिलियन होती थी। उस टाइम मस्क का कहना था कि फैल्कन 1 1400 पाउंड्स का वेट स्पेस में ले जाने के काबिल होगा और इसकी कॉस्ट सिर्फ $6.9 मिलियन होगी। ये सारे इम्प्रूवमेंट्स लाने पे मस्क इसीलिए कॉन्फिडेंट थे क्योंकि उन्होंने नोटिस किया था कि पिछले 50 सालों में स्पेस कंपनीज में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। इस नई कंपनी को लॉन्च करने के लिए बेहद एक्साइटेड मस्क ने पेपैल से की हुई अर्निंग में से 100 मिलियन इसमें इन्वेस्ट किए। इतनी मैसिव अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट की वजह से अब कोई भी इलॉन से SpaceX का कंट्रोल नहीं छीन सकता था, जैसे कि Zip2 और पेपैल में हुआ था। मस्क में पागलपन तो कूट कूट कर भरा था, पर वो समझदार भी खूब थे। कंपनी की स्टार्टिंग से पहले ही उन्होंने सारा रिस्क कैलकुलेट किया हुआ था, और उनकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग फैल्कन 1 के लॉन्च में 3 फेलियर्स तक वो सह सकते थे, या मे बी 4। और यही है लर्निंग नंबर 8, रिस्क नहीं कैलकुलेटेड रिस्क लेना। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब है कि जो रिस्क हम उठाने जा रहे हैं उसका वर्स्ट केस सिनारियो और बेस्ट केस सिनारियो देखना। ये दोनों केसेस अगर हमें मंजूर हैं तो सिर्फ तभी वो कदम उठाना चाहिए। मस्क ने अपने रिस्क कैलकुलेट किए हुए थे और अब रॉकेट्स की कॉस्ट कम करने के लिए मैक्सिमम रॉकेट पार्ट SpaceX अब खुद बिल्ड कर रही थी बजाय उन्हें किसी और से खरीदने के। इंजीनियर्स और मस्क सब रात दिन काम कर रहे थे, और मस्क के लिए तो काफी दिन ऐसे होते थे जब वो एक दिन में 22 घंटे काम करते थे। फाइनली मार्च 24, 2006 में फैल्कन 1 अपने स्क्वायर लॉन्च पैड पे था। रॉकेट फिर लॉन्च हुआ, शुरुआती सेकंड्स ठीक थे, पर फिर 25 सेकंड्स में कुछ गड़बड़ सी महसूस हुई और रॉकेट के इंजन में अचानक से आग लग गई। जो रॉकेट अभी तक सीधा और सही उड़ रहा था, अब वो लट्टू की तरह घूमने लगा और आखिर में जमीन पर आकर ब्लास्ट हो गया। सारे इंजीनियर्स बहुत दुखी हुए, पर मस्क ने निराश होने के बजाय इस प्रॉब्लम का कारण क्या था इंजीनियर से वो पता लगाने को कहा। और पहला लॉन्च फेल होने पे मस्क रुके नहीं, उन्होंने दूसरे लॉन्च की तैयारी शुरू करवा दी। मस्क चाहते थे कि अगला लॉन्च 6 महीनों के अंदर अंदर हो, पर पूरी नई मशीन बनाने में अब बहुत ज्यादा काम की जरूरत थी, और अल्टीमेटली अगले लॉन्च के लिए प्रिपेयर होने में 1 साल लग गया। इस बार इंजीनियर्स अपने काम के साथ और भी ज्यादा डिसिप्लिन थे। फिर मार्च 21, 2007 में फैल्कन 1 दोबारा लॉन्च के लिए रेडी था। रॉकेट जब लॉन्च हुआ तो पहली 3 मिनट्स की फ्लाइट के बाद उसका फर्स्ट स्टेज अलग हुआ। अब सेकंड स्टेज उसे ऑर्बिट तक ले जा रहा था। रॉकेट एग्जैक्टली वैसे ही जा रहा था जैसे उसे जाना चाहिए था। कंट्रोल रूम में सब लोग बहुत खुश होने लगे। मेन इंजीनियर म्यूलर इलॉन के बगल में ही थे और उन्होंने इलॉन से कहा, हमने ये कर दिखाया। रॉकेट ऑर्बिट में पहुंचने ही वाला था कि वो डगमगाने लगा। 5 ग्लोरियस मिनट्स के बाद रॉकेट अब धीमा होने लगा और वापस अर्थ पर गिर पड़ा। इस बार भी निराश होने के बजाय फिर से इलॉन ने कहा, जल्दी से आइडेंटिफाई करो कि दिक्कत क्या थी, ये ऑर्बिट तक क्यों नहीं पहुंचा। ये थी इनकी स्पिरिट। इनका कहना था कि फेलियर एक ऑप्शन है, फेल हो गए कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करो, डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे। और इसीलिए कहा भी जाता है, क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। सारे एम्प्लॉइज रीग्रुप हुए और अब उन्होंने तीसरे अटेम्प्ट की तैयारियां शुरू की। 2 अगस्त 2008 में तीसरा फैल्कन 1 लॉन्च हुआ। इस बार सब कुछ ठीक था, फैल्कन 1 आसमान में गूंज रहा था और बिना किसी प्रॉब्लम की इंडिकेशन के ऊपर जा रहा था। फर्स्ट स्टेज सेपरेट हुई, फिर सेकंड, पर जब थर्ड की बारी आई तो फिर से एक मालफंक्शन सामने आया।
इंजन ने सेपरेशन के दौरान अनएक्सपेक्टेड थ्रस्ट दे दिया था, जिस वजह से ये लॉन्च भी फेल हो गया। इस फेलियर से इंजीनियर्स बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। हम यूजुअली किसी भी बड़ी एज वाले को रोते हुए नहीं देखते, पर ये सारे लोग अभी रो रहे थे। ये उनके लिए सबसे बुरा दिन था। मस्क ने अपने वर्कर्स से कहा, लुक वी आर गोइंग टू डू दिस, और सारी प्रेस के सामने मस्क ने एक पॉजिटिव अपफ्रंट रखा। अब उनका कहना था कि स्पेसएक्स का अगला रॉकेट कुछ ही महीनों में लॉन्च होगा, और इसके बाद हमने फिफ्थ लॉन्च भी प्लान किया हुआ है, जो कि फैल्कन 9 का होगा। फैल्कन 9 नाम दिखाता है कि इस रॉकेट में 9 इंजन होंगे, और अगर इसके 5 इंजन फेल भी हो जाते हैं तब भी इसके 4 इंजन इसे पूरी स्टेबिलिटी देंगे। और इसी के साथ ये दुनिया का पहला रीयूजेबल रॉकेट होगा, जो सिर्फ स्पेस में जाएगा ही नहीं बल्कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने लॉन्च पैड पर वापस भी आएगा। ये था इनका रिस्क एपेटाइट। ये अपना सब कुछ दाव पर लगाने को तैयार थे। इनमें भरपूर क्रेजीनेस थी उस पॉइंट पे जब स्पेसएक्स बैंकक्रप्ट होने वाली थी। थर्ड लॉन्च के बाद का लॉन्च अगर फेल होता तो पूरी कंपनी बंद हो जाती, और जितने भी इंजीनियर्स ने अपना सब कुछ छोड़कर इसमें अपनी जिंदगी के सालों लगा दिए थे उनका भी सब कुछ बर्बाद हो जाता। पर मस्क बोले अगला लॉन्च कुछ ही महीनों में होगा, और उसके बाद के लॉन्च के प्लान्स भी उन्होंने बताए। ये होता है अपने काम पर विश्वास। मस्क जानते थे कि इस बार तो सारी गलतियां ठीक होंगी। फोर्थ और पॉसिबली फाइनल लॉन्च हुआ 28 सितंबर 2008 में। स्पेस इंजीनियर्स का प्राइड और उनकी होप्स दाव पर लगी थी। लेट आफ्टरनून में चौथा फैल्कन 1 अपने लॉन्च पैड पर था, और इस बार उसमें रियल कार्गो भी लोडेड था। रॉकेट जब लॉन्च हुआ तो हर माइलस्टोन जो उसने फॉलो किया सब एकदम सही था। सेकेंड स्टेज क्लियर होने के बाद मस्क अच्छे से सांस ले पाए। फाइनली अपनी जर्नी के 90 मिनट्स के बाद रॉकेट ऑर्बिट में पहुंचा, और फैल्कन 1 फिर पहला प्राइवेट बिल्ट रॉकेट बना जिसने ये मुकाम हासिल किया। अब तक का ये सारे काम गवर्नमेंट के पैसे से होते थे, जैसे नासा और इसरो, ये दोनों गवर्नमेंट के पैसे पे काम करते हैं। पर स्पेसएक्स ऐसी पहली कंपनी बनी जो कि प्राइवेट थी, और बिना एक भी गवर्नमेंट के पैसे के रॉकेट को सक्सेसफुली ऑर्बिट तक पहुंचाया। इसमें 6 साल लगे, मस्क ने जो प्लान किया था उससे 4 साल ज्यादा। और यहीं से है लर्निंग नंबर 9, फेलियर को मैनेज करना। इलॉन मस्क से हम सीखते हैं द आर्ट ऑफ फेलिंग सक्सेसफुली। ये इतने बार फेल हो चुके थे कि फेलियर ने भी कहा, भाई तू जीत अब। फेलियर ने हार मान ली थी, पर इन्होंने हार नहीं मानी। ये थी इनकी जिद। और ताकत शरीर से होती है, पर जिद दिमाग से। जिद पर एक बहुत ही कमाल की बुक है, ग्रिट द पावर ऑफ पैशन एंड परसीवरेंस। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बुक समरी पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। फैल्कन 1 की विक्ट्री का सेलिब्रेशन ज्यादा नहीं रहा, क्योंकि अब स्पेसएक्स के पास आगे के लॉन्च के लिए कुछ भी पैसे नहीं बचे। रीयूजेबल रॉकेट्स लॉन्च करने में अब लगभग $1 बिलियन लग जाते, पर ये काम शुरू करने के लिए बिल्कुल भी फंडिंग नहीं थी। मस्क अब अलग अलग इन्वेस्टर्स के पास जाने लगे ताकि उन्हें अपने नए प्रोजेक्ट के लिए कुछ तो फंडिंग मिले। उन्होंने अपना जेट और मैकलेरिन स्पोर्ट्स कार बेच दिए, और तभी December 23, 2008 में स्पेसएक्स को बड़ा झटका लगा जब नासा ने उन्हें $1.6 बिलियन दिए स्पेस स्टेशन में और 12 फ्लाइट्स ले जाने के लिए। ये जानकर मस्क की आंखों में आंसू आ गए थे, और फिर आगे का काम शुरू हुआ। और फाइनली फैल्कन 9 दुनिया का वो फर्स्ट रॉकेट बना जो कि वापस अर्थ पर लैंड हुआ। इससे पहले रॉकेट सिर्फ स्पेस तक सैटेलाइट्स पहुंचाने के काम के थे, और उसके बाद उनके पार्ट्स किसी काम के नहीं रह जाते थे। पर मस्क को ये बड़ी प्रॉब्लम और वेस्ट ऑफ मनी भी लगा, और उन्होंने दुनिया के पहले रीयूजेबल रॉकेट्स डिजाइन किए जो लॉन्च होने के बाद वापस अर्थ पर लैंड होंगे और फिर से सैटेलाइट्स भेजने के काम आएंगे। और फिर स्पेसएक्स ऐसी पहली कंपनी बनी जिसने रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए। जब स्पेसएक्स का दूसरा लॉन्च फेल हुआ था तो उसी टाइम दो बिजनेस पार्टनर्स मार्टिन एबरहर्ड और मार्क टारपिनिंग इलेक्ट्रिक कार्स के आइडिया पे काम कर रहे थे जो कि लिथियम आयन बैटरी से चलेंगी, उसी टाइप की बैटरी जो आजकल नॉर्मली मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स में यूज होती है। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए इन दोनों ने July 1, 2003 में एक कंपनी लॉन्च की जिसका नाम था टेस्ला मोटर्स। इलेक्ट्रिक मोटर इन्वेंटर निकोला टेस्ला को ऑनर करने के लिए इसका नाम टेस्ला मोटर्स रखा गया। पर इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि सभी को लगता था इलेक्ट्रिक कार्स बोरिंग और स्लो होंगी। टेस्ला को एक लीड इन्वेस्टर की जरूरत थी जो $7 मिलियन तक कंपनी में इन्वेस्ट कर सके, और एबरहर्ड और टारपनिंग एक प्रोटोटाइप व्हीकल डिजाइन कर सके। इन दोनों को इलॉन के बारे में पता था, क्योंकि उन्होंने मार्स सोसाइटी के बारे में बताते हुए उन्हें सुना था। तो इन्हें लगा जब मस्क माइस को मार्स में भेजने जैसा यूनिक आइडिया सोच सकता है तो शायद वो इलेक्ट्रिक कार्स के प्लान में भी इंटरेस्टेड होगा। तो ये दोनों मस्क के पास पहुंचे, और वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि किस्मत से वो एकदम सही इन्वेस्टर के पास पहुंचे हैं। मस्क इलेक्ट्रिक कार्स का आइडिया सुनकर बेहद खुश हुए, क्योंकि वो तो 1994 में ही अल्ट्रा कैपेसिटर्स डेवलप करके ये काम करना चाहते थे, पर उन्हें लिथियम आयन बैटरीज की पावर का पता नहीं था।
मस्क तो यूनाइटेड स्टेट का ऑयल एडिक्शन ही खत्म करना चाहते थे, तो मस्क ने टेस्ला में $6.5 मिलियन इन्वेस्ट किए और इसके सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए और अब एक टीम बन चुकी थी इलेक्ट्रिकल रेवोल्यूशन के लिए। टेस्ला ने अपनी पहली कार बनानी शुरू की जो कि थी टेस्ला रोडस्टर। इसका मॉडल बिल्ड करने का आइडिया काफी सिंपल था। टेस्ला सीधे अपने एसी प्रोपल्शन को लोटस इलाइस की बॉडी में फिट करने वाली थी। इनके एफर्ट शुरू हुए अक्टूबर 18, 2004 में और 27 जनवरी 2005 तक 18 लोगों ने मिलकर एक नई तरह की कार बना ली थी। पर इस कार में डिजाइन को लेकर मस्क के पास बहुत से ओपिनियन थे और उन्होंने अपनी सारी बातें तब क्लियर कर दी जब वो बोर्ड मीटिंग्स और डिजाइन रिव्यूज के लिए टेस्ला गए। इन इम्प्रूवमेंट्स के लिए कंपनी ने नए डिजाइन इंजीनियर्स हायर किए और एक साल बाद मई 2006 में कंपनी 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज की हो चुकी थी। मस्क ने फिर से टेस्ला में इन्वेस्ट किया और इस बार $12 मिलियन इन्वेस्ट किए और फिर कुछ और इन्वेस्टर्स ने भी इस पे पैसा लगाया, जिनमें गूगल के फाउंडर सर्गी ब्रिन और लैरी पेज भी इंक्लूडेड थे। और टेस्ला के पास फिर टोटल $40 मिलियन हो चुके थे। 2006 में फिर इनकी पहली रोडस्टर मार्केट में लॉन्च हुई। इसकी कॉस्ट $90 मिलियन निकल कर आई। मस्क ने कार की कॉस्ट $50,000 तक एक्सपेक्ट की थी, पर ओरिजिनल कॉस्ट इनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा थी। और इस कार की स्पीड के लिए पहले अनाउंस हुआ था कि ये 4 सेकंड्स में 0 से 60 माइल पर आवर जाने के कैपेबल होगी, पर इसे 0 से 60 माइल पर आवर जाने में 5.7 सेकंड्स लग रहे थे। तो इन कारणों से ये कार कम बिकी। सिर्फ 30 लोगों ने इसे खरीदना चाहा, जिनमें गूगल फाउंडर ब्रिन और पेज भी इंक्लूडेड थे। तब मस्क ने प्रॉमिस किया कि एक चीपर 4-सीट 4-डोर मॉडल जल्द ही कंपनी लॉन्च करेगी। जब नई रोडस्टर बिल्ड होनी शुरू हुई तो पता चला कि इस कार को बिल्ड करने में $200,000 तक लग जाएंगे और कंपनी को ये कार $85,000 में बेचनी पड़ेगी। मस्क को एक और सीईओ के मिसमैनेजमेंट का रिजल्ट लगी और फिर एग्जिस्टिंग सीईओ को हटाकर मस्क को टेस्ला का सीईओ बनाया गया। 2007 की शुरुआत में टेस्ला की प्रॉब्लम्स और बढ़ने लगी। 4 सेकंड्स में 0 से 60 माइल पर आवर जाने के लिए रोडस्टर की बॉडी कार्बन फाइबर की थी, पर ये बॉडी जो दिखने में बहुत अच्छी लगती थी, पेंट करते वक्त बहुत बड़ी परेशानी बन गई। इस प्रॉब्लम के वक्त टेस्ला के एम्प्लॉइज को वो मस्क देखने को मिला जो SpaceX के एम्प्लॉइज ने सालों तक देखा था। जब कार्बन फाइबर बॉडी का इश्यू आया तो मस्क ने खुद इस प्रॉब्लम से डील किया और खुद नई बॉडी पर काम करना शुरू किया। सैटरडेज और संडेज को भी मस्क डेस्क के नीचे सो जाते थे। इस वक्त SpaceX का भी तीसरा लॉन्च फेल हुआ था और वहाँ इंजीनियर्स फोर्थ लॉन्च की तैयारी में लगे हुए थे। दो कंपनीज में इन्वेस्ट करने की वजह से इस स्टेज पर मस्क के पास कुछ भी नहीं बचा था और इसी वक्त 2008 का मार्केट क्रैश भी हुआ था और टेस्ला बैंकरप्टेसी की हालत में आ गई। मस्क एम्प्लॉइज को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से दूर रखना चाहते थे और वो हमेशा उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए उन्हें इनकरेज करते रहते। ये सब जब चल रहा था तो SpaceX का फैल्कन 1 पे फाइनल और फोर्थ अटेम्प्ट सक्सेसफुल हुआ और इसके सक्सेसफुल होने की वजह से ये पॉइंट मस्क की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना, क्योंकि अब SpaceX को नासा की ओर से $1.6 बिलियन मिले। इससे SpaceX ने तो सर्वाइव किया ही, पर साथ ही साथ टेस्ला मोटर्स ने भी अपनी रिमार्केबल मॉडल एस कार लॉन्च की जो कि कही गई टाइमिंग के अकॉर्डिंग 4.2 सेकंड्स में 0 से 60 माइल्स पर आवर जाने के कैपेबल थी और इसमें 7 लोगों के बैठने की जगह थी, जहाँ बाकी कार्स में सिर्फ 20-30% गैसोलीन यूज हो पाता है और 60% एनर्जी इंजन में हीट के तौर पर बर्बाद हो जाती है और बाकी एनर्जी विंड रेजिस्टेंस, ब्रेकिंग और बाकी मैकेनिकल फंक्शंस में बर्बाद होती है। इसके ठीक उल्टी मॉडल एस में सिर्फ 24 मूविंग पार्ट्स थे और बैटरी इंस्टेंटली एनर्जी मोटर में भेजती थी। बहुत सारी मैकेनिकल प्रोसेसेस खत्म होने की वजह से मॉडल एस 60% एफिशिएंट कार थी, जबकि ट्रेडिशनल पेट्रोल और डीजल इंजन सिर्फ 35-40% एफिशिएंट होते हैं। एफिशिएंसी के साथ साथ कार में और भी बहुत से यूनिक फीचर्स कंपनी ने दिए थे। इसमें दुनिया की सबसे पहली 17 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले थी, जिससे पूरी कार की फंक्शनिंग मॉनिटर की जा सकती थी और कार पूरी सॉफ्टवेयर बेस्ड थी। इसे जब कोई स्टोर से या ऑनलाइन खरीदता तो टेस्ला खुद कार को उसके घर तक छोड़कर आती और अगर कार में कभी कोई प्रॉब्लम है तो इंजीनियर्स खुद ओनर के घर आकर कार को ठीक करते। अगर प्रॉब्लम ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो तो वो कार को अपने स्टोर पर ले जाते और जब तक कि वो कार ठीक ना हो जाए ओनर को एक दूसरी कार फ्री में यूज करने के लिए देते। टेस्ला फिर जल्द ही अपनी सॉफ्टवेयर स्किल्स भी दिखाने लगी और उसने एक स्मार्टफोन ऐप लॉन्च किया जिससे कि ओनर्स कार की एयर कंडीशनिंग को दूर से ऑन कर सकते थे जब कार धूप में पार्क्ड हो। टेस्ला ने कार में सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी इंस्टॉल करने शुरू किए जिससे कार में नए फीचर्स आते रहते। एक रात में ही मॉडल एस अचानक से जल्दी चार्ज होना शुरू कर देती और इसमें वॉइस कंट्रोल्स की भी नई रेंज आ जाती। इन शॉर्ट टेस्ला ने कार नहीं एक मूविंग कंप्यूटर बना दिया था जो खरीदने के बाद और बेहतर होता चला जाता।
नवंबर 2012 में इसके लॉन्च के कुछ महीनों बाद ही मॉडल एस को मोटर ट्रेंड्स कार ऑफ द ईयर का खिताब मिला और इस कार ने 11 और गाड़ियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जो पहले मार्केट में छाई रहती थी, इंक्लूडिंग पोर्श, लेक्सस और बीएमडब्ल्यू की गाड़ियां। कुछ महीनों बाद कंज्यूमर रिपोर्ट्स ने मॉडल एस को पूरी कार हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रेटिंग दी, जो की थी 99 out of 100। और इसी के साथ सभी लोगों का कहना था, आज तक जितनी भी गाड़ियां बनी हैं, ये उनमें बेस्ट है। अमेरिका ने 1925 के बाद से अभी तक कोई भी सक्सेसफुल कार कंपनी नहीं देखी थी और अब टेस्ला ने इतिहास बदल दिया। मस्क ने इससे पहले कभी कोई कार कंपनी नहीं चलाई थी, पर फिर भी मॉडल एस के लॉन्च होने के सिर्फ एक साल बाद ही टेस्ला अब हर सेल में पैसे बना रही थी और हर तीन महीने में $562 million की कार बेच रही थी। इलॉन की छोटी सी कंपनी जापान के लार्जेस्ट ऑटोमेकर मज़्दा मोटर्स जितनी वैल्यूएबल हो गई। फिर इसी के साथ टेस्ला का क्रेज लोगों में 100 गुना तब बढ़ गया जब मस्क ने अनाउंस किया कि लॉन्ग ड्राइव्स के लिए वो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के अक्रॉस टेस्ला चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क भी बिल्ड कर रहे हैं, जिनमें से 6 अभी कैलिफोर्निया में बिल्ड हो चुके हैं। इन चार्जिंग स्टेशन में टेस्ला ओनर्स फ्री में अपनी कार चार्ज कर सकेंगे और फ्यूचर में इतने चार्जिंग स्टेशन होंगे कि टेस्ला ओनर्स बिना फ्यूल पे एक भी पैसा खर्च किए पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के अक्रॉस फ्री में ट्रेवल कर सकेंगे। ये चार्जिंग स्टेशन सोलर एनर्जी पे बेस्ड होंगे और यहीं से आती है मस्क की अगली कंपनी सोलर सिटी, जो कि मस्क के कजिन्स ने स्टार्ट की, पर इसमें शुरुआती सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की वजह से सोलर सिटी को 1/3 इलोन ओन करते हैं। और यहाँ पर आती है 10th लर्निंग, जो की है हमेशा आगे बढ़ते रहना। मस्क इस पॉइंट तक बिलियनियर बन चुके थे, पर फिर भी वो रुके नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी की इम्पोर्टेंस पता थी कि ये उन्हें सिर्फ एक बार मिली है और वो इसे आखिरी सांस तक यूटिलाइज करेंगे। जबकि बहुत से लोगों को सीखना और कुछ नया करना सिर्फ 20s का काम लगता है और बाकी जिंदगी वो बैठे रहना चाहते हैं। 2014 तक सोलर सिटी की वैल्यू $7 billion हो चुकी थी। मस्क ने इसके बाद फिर और भी बहुत सी कंपनी शुरू की, तो चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं। 2014 में ही मस्क ने एक नई चीज रिवील की जिसे हाइपरलूप का नाम दिया गया और मस्क ने इसे ट्रांसपोर्टेशन का नया मीडियम बताया। आप हाइपरलूप को एक बड़ी ट्यूब की तरह सोच सकते हो जो कि पाइलॉन्स पे टिका रहेगा। इसके अंदर एक बॉक्स होगा जिसमें लोगों के बैठने के लिए काफी सारी सीट्स होंगी। इस बॉक्स को अपने स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन पे सीधा शॉट किया जाएगा 700 miles per hour की स्पीड से। ये इतना तेज इसीलिए होगा क्योंकि ये हवा के बेड पर तैर रहा होगा, जिससे फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा। ये पूरी चीज सोलर पावर्ड होगी और उन सिटीज को लिंक करेगी जो कि 1000 माइल्स से कम के डिस्टेंस पर हों। इस आइडिया के साथ मस्क एक नई कंपनी के ओनर बने जिसका नाम था हाइपरलूप और 2017 में इसने अपना पहला सक्सेसफुल टेस्ट किया जिसमें टॉप स्पीड सिर्फ 70 माइल्स पर आर की थी। पर जैसे कि शुरुआत में स्पेस एक्स का पहला रॉकेट 30 सेकंड भी नहीं उड़ा था, पर बाद में रॉकेट सिर्फ उड़े ही नहीं बल्कि वापस लैंड भी हुए, तो शायद हाइपरलूप भी 700 माइल्स पर आर जल्द ही अचीव कर ले। इसी के साथ मस्क ने टेस्ला में ड्राइवरलेस कार्स पे काम करना भी शुरू किया। इनका कहना था कि मैं ऐसी कार्स बनाऊंगा जो अपने आप चलेगी, उसे चलाने के लिए ड्राइवर की भी जरूरत नहीं होगी, जो कि ऐसी कार्स बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेजर रोल रहेगा। तो यहीं से आती है मस्क की अगली कंपनी OpenAI। दिसंबर 2015 में मस्क ने OpenAI का क्रिएशन अनाउंस किया। ये कंपनी एक नॉन प्रॉफिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर मस्क काफी वरीड रहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आज की डेट तक भी हमारे पास पूरी नॉलेज नहीं है, जहां ह्यूमंस को कोई चीज सीखने में बहुत टाइम लगता है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो 1-2 सालों में चलना सीखता है और ऐसे ही टाइम में वो थोड़ा थोड़ा बोलना भी शुरू करता है, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी पावरफुल होगी कि ये कुछ सेकंड्स में ही ये सब करना सीख जाएगी। इवन जो नॉलेज इंसान सालों की मेहनत के बाद ले पाता है, जैसे डॉक्टर्स 10-12 साल तक बहुत पढ़ाई करते हैं और फिर उस नॉलेज को ऑपरेशंस और सर्जरीज में यूज करते हैं, एआई उस नॉलेज को सिर्फ 10 मिनट के अंदर सीख जाएगी। और इसमें और भी बहुत सी चीजें होंगी जो इनको ह्यूमन से कई मायनों में बहुत अच्छा बनाएंगी। एक्चुअली ये इतनी पावरफुल इसीलिए होगी क्योंकि ये बहुत हाई लेवल की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और फिजिक्स का पूरा नेटवर्क है, जिसमें बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं और ब्रेन नेटवर्क भी डिजाइन होता है, जिसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो खुद ब खुद सीखे। तो इलॉन का कहना है कि जब तक इसके बारे में पूरी नॉलेज ना मिल जाए तब तक इसे रेगुलेट नहीं करना चाहिए, पर बहुत से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपने फायदे के लिए बिना एआई की पूरी नॉलेज के इसे एग्जीक्यूट करने पे लगे हुए हैं। प्राइवेट कंपनीज में एआई का क्रेज इतना बढ़ रहा है कि 2011 से लेकर 2018 तक एआई पे $50 billion तक इन्वेस्ट हुए,
और अब अकेले ईयर 2020 में मोर देन $60 बिलियन अलग अलग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिल्ड करने के लिए इन्वेस्ट किए हैं। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन हो सकती है क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपना पैसा देखते हैं, तो हो सकता है कि एआई को बिल्ड करके वो लोगों पे डायरेक्ट कंट्रोल ले लें। इसका सॉल्यूशन भी इलॉन देते हैं। उनका कहना है कि एआई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आने के बजाय इसे डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल दिया जाए, क्योंकि वही चीजों को अच्छे से रेगुलेट करेंगे। पर गवर्नमेंट के स्लो होने की वजह से मस्क खुद इस पर रिसर्च कर रहे हैं। ओपन एआई से वो एआई की पूरी जानकारी लेकर इसे मैनकाइंड के अच्छे के लिए यूज करना चाहते हैं, ताकि ये ह्यूमंस के कंट्रोल में रहे, ह्यूमंस इसके कंट्रोल में नहीं। और सबसे बड़ी बात, ओपन एआई पूरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे मस्क को कुछ फायदा नहीं होगा, बल्कि वो मैनकाइंड के लिए उन कंपनीज से पहले एआई को अच्छे से जानना चाहते हैं और सभी को इसके बारे में बताना चाहते हैं, जो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए न जाने इसका यूज कैसे करेंगे। पर यहाँ इंडिया में अभी एआई का उतना कुछ नहीं है, हम फिजिक्स, कंप्यूटर्स और बाकी टेक्नोलॉजी के मामले में अभी बहुत पीछे हैं। तो एआई से ही मिलती जुलती मस्क की अगली कंपनी है न्यूरालिंक। ये कंपनी ह्यूमन ब्रेन को एआई से इंटीग्रेट करने पे काम कर रही है। इसमें बेसिकली एक चिप होगी जो कि हमारी नेक में लगेगी और फिर इससे ब्रेन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे, ताकि ह्यूमन ब्रेन इस तेजी से चीजों को सीखने वाली एआई से कोप कर सके और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में पीछे ना रह जाए। इन एडवांसमेंट से ब्रेन की मेमोरी इंप्रूव होगी और ह्यूमंस कंप्यूटर डिवाइसेस से बहुत ज्यादा डायरेक्ट इंटरफेसिंग कर पाएंगे। कंप्यूटर का मैक्सिमम यूज करने के लिए इलॉन का एक मकसद है स्टारलिंक, जिसमें वो स्पेस से पूरी अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट्स का ऐसा लिंक बिछा देंगे कि दुनिया के हर कोने में हर किसी के लिए इंटरनेट पूरा फ्री होगा, जिससे वर्ल्ड की ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इनसे अलग मस्क की आखिरी कंपनी है द बोरिंग कंपनी। एक बार मस्क ट्रैफिक में फंसे हुए थे, 2-3 घंटे हो चुके थे, और मस्क एक ऐसे आदमी है जो टाइम की बहुत कद्र करते हैं। तो इतना टाइम जब उनका वेस्ट हो रहा था तो मस्क बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए। उन्होंने अनाउंस किया कि मैं एक बोरिंग कंपनी बनाने जा रहा हूँ जो बस खोदती रहेगी, ये उनका कहना था। और वैसे ये कंपनी अंडरग्राउंड टनल्स बनाएगी और ऐसे काम करेगी कि अगर कभी कोई कार ट्रैफिक में फंस जाती है या अगर किसी को बहुत जल्दी कहीं जाना है तो सीधे रोड से कार टनल में ले जाई जाएगी और वहाँ टनल में हाइपरलूप सा ही कुछ होगा और कार को 200 माइल्स पर आर की स्पीड से स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन पे सीधा शॉट किया जाएगा और 1 घंटे का सफर 5 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। इतने हाईली क्रिएटिव, टेक्नोलॉजिकल और फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग वाले आदमी हैं इलॉन मस्क, जिनकी लाइफ से जो सबसे बड़ी लर्निंग मुझे लगी, जो कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि इसे हम मस्क की सारी कंपनीज के बारे में जानने के बाद ही जानेंगे, वो लर्निंग है फ्यूचर को देख के अपने आज का स्टेप लेना। मस्क ने जो भी कंपनी शुरू की उसे शुरू करने से पहले उन्होंने ये देखा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इन्होंने स्टैनफोर्ड ज्वाइन की थी अल्ट्रा कैपेसिटर्स को डेवलप करके इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के लिए, क्योंकि ये समझ गए थे कि फॉसिल फ्यूल्स जल्द ही खत्म होने की कगार पर आ जाएंगे और ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ रही है कि अर्थ आने वाले 100-200 सालों में शायद रहने लायक ही ना रहे। तो इन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स बिल्ड करने की सोची, पर उसी वक्त इंटरनेट की कॉल आने की वजह से इलॉन ने 2 दिन स्टैनफोर्ड जाकर वो यूनिवर्सिटी छोड़ दी और Zip2 की शुरुआत कर दी, क्योंकि वो समझ चुके थे कि इंटरनेट आगे जाके बहुत बड़ी चीज होने वाली है और अभी अगर ये अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी तो बाद में हाथ नहीं आएगी। इसके बाद पेपैल की जब शुरुआत हुई तो तब भी इन्होंने देखा कि लोग बैंक से पक चुके हैं। पिछले 10-20 सालों में बैंक्स और भी ज्यादा स्लो हो चुके हैं और लोगों को अब फास्ट बैंक्स की जरूरत है और फ्यूचर में शायद लोग बैंक जाना ही ना चाहें। तो इस प्रॉब्लम में उन्हें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी ऑनलाइन बैंक की और फिर पेपैल बनी, जिसे बेचकर मस्क एक मिलियनियर बन गए और अब उनके पास $250 मिलियन आ चुके थे। इस पॉइंट पे ये चाहते तो किसी रईस आदमी की तरह आराम से घर बैठकर खा सकते थे, पर मस्क ने फिर से फ्यूचर को देखा और पाया कि स्पेस इंडस्ट्रीज में पिछले 50 सालों में कोई मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। एक लॉन्च में 10-15 साल लग जाते हैं, जो कि हद से ज्यादा टाइम है। ये एक्चुअली मैनकाइंड के लिए सोचने वाले हैं और अर्थ के हालात देखकर इन्हें लगा कि अगर अर्थ ना रहे तो ह्यूमंस के लिए बैकअप प्लान होना चाहिए और मार्स पे लोगों को ले जाने के लिए SpaceX लॉन्च की, जो कि आज की डेट में एक दिन में ही मल्टीपल लॉन्च प्लान कर रही है, ताकि जल्दी से जल्दी मार्स और मून कोलोनाइजेशन हो। ये मस्क की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है और वो कहते हैं, आई वुड डाई टू मेक मार्स अ लिविंग प्लैनेट। SpaceX के साथ आगे टेस्ला, फिर हाइपरलूप, फिर OpenAI, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी, जितनी भी कंपनीज इन्होंने बनाई, ये सारी मस्क की फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग को दिखाते हैं और ये क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है एक एंटरप्रेन्योर की। मस्क की फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग के लिए उनका एक शानदार क्योट है, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड थिंक द फ्यूचर इज गोइंग टू बी बेटर, इट इज अ ब्राइट डे, अदरवाइज इट इज नॉट।
सुबह उठकर अगर आप ये सोचते हो कि फ्यूचर और बेहतर होने वाला है तो ये एक शानदार दिन है, वरना नहीं। और इसी के साथ 11th लर्निंग है इनकी क्रिएटिविटी। इन्होंने वो काम कर दिखाए जो बड़े से बड़े रॉकेट साइंटिस्ट भी नहीं कर पाए, कम कॉस्ट में ज्यादा लोड ले जाने वाले रॉकेट बिल्ड करना और उन्हें अर्थ पर वापस लैंड कराना, जिनमें से एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। और बाकी तो टेस्ला, न्यूरालिंक, हाइपरलूप और अपनी और भी कंपनी से ये न जाने कितना कुछ और करेंगे। तो इलॉन मस्क की लाइफ से हमने जाना, नंबर वन कुछ बड़ा सोचना और अपने उस सपने को सच करना। इलॉन ने बचपन से ही स्पेस ट्रेवल और बड़ी कंपनी बिल्ड करने के सपने देखे और 17 साल की एज में साउथ अफ्रीका छोड़कर कनाडा जाके उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदलना शुरू किया। इसके बाद हमने जाना इलॉन को सीखना पसंद था और 10 साल की उम्र में ही एक दिन 10 घंटे पढ़ना इलॉन के लिए एक आम बात हो चुकी थी। उनकी इस आदत की वजह से किताबी कीड़ा होने की वजह से बाकी सारे बच्चे उन्हें बोरिंग कहते थे, उनके साथ कोई नहीं रहता था। इवन इस अकेलेपन और पढ़ाकू होने की वजह से इलॉन को स्कूल में बुली किया जाता था। अगर वो चाहते तो औरों के साथ घूमने मिलने के लिए, औरों की तरह अपने भी बहुत से दोस्त बनाने के लिए पढ़ना छोड़कर वही सब करना शुरू कर देते जो और बच्चे करते हैं। पर नहीं, इलॉन ने खुद के दिल की सुनी। वो जानते थे कि उन्हें अपनी जिंदगी कहाँ ले जानी है, उन्हें अपनी जिंदगी को कैसा बनाना है, किस काम में लगाना है, भले ही कोई उनके साथ हो या ना हो। तो सेकंड लर्निंग थी खुद के दिल की सुनना। थर्ड चीज जो हमने सीखी वो थी खुद का फ्यूचर डिसाइड करते वक्त सिर्फ खुद के बारे में ना सोचकर पूरी दुनिया के बारे में सोचना, कि जो कुछ भी मैं आगे करने जा रहा हूँ उससे मैं दुनिया को क्या दूंगा। इलॉन ने जो कुछ भी किया वो दुनिया को उससे बेहतर बनाने के लिए किया जितना कि उन्होंने इसे पाया था, और यही जिंदगी का हाईएस्ट पर्पस है। फोर्थ लर्निंग वो थी जिसकी वजह से इन्होंने जितने भी बिजनेसेस किए वो सारे सक्सेसफुल रहे, और ये क्वालिटी हर उस इंसान में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ये क्वालिटी उसे बिल्ड करनी चाहिए अगर वो भी सक्सेसफुल बिजनेसेस करना चाहते हैं। और ये तो खैर हमने अभी अभी जानी है, जो कि है मस्क की फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग। फिफ्थ लर्निंग थी इनका ग्रोथ माइंडसेट, और इसी के साथ मस्क ने अपनी पहली दो कंपनी से सीखा कि किसी को भी इतनी पावर नहीं देनी चाहिए कि वो कंपनी के फाउंडर को ही सीईओ की जगह से रिप्लेस कर सके। लर्निंग नंबर 6 थी डिजायर। ये हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी बड़े अचीवमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है डिजायर, और जितनी ज्यादा चाहत होगी उतनी ही बड़ी सक्सेस। लर्निंग नंबर 7 थी खुद के पोटेंशियल को समझना, ये जानना कि जो कुछ भी आप सोच सकते हो वो सब आप कर सकते हो, कोई सिखाने वाला हो या ना हो, आप खुद सीख सकते हो। लर्निंग नंबर 8 थी रिस्क नहीं कैलकुलेटेड रिस्क लेना, जो रिस्क हम उठाने जा रहे हैं उसका वर्स्ट केस सिनेरियो और बेस्ट केस सिनेरियो देखना, ये दोनों केसेस अगर हमें मंजूर हैं तो सिर्फ तभी वो कदम उठाना चाहिए। वो कहते हैं ना, होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। लर्निंग नंबर 9 थी फेलियर को जीतना। इलॉन इतने बार फेल हो चुके थे कि फेलियर ने हार मान ली पर इन्होंने हार नहीं मानी, ये थी इनकी जिद। 10th लर्निंग थी हमेशा आगे बढ़ते रहना। इलॉन की पहली कंपनी से ही उन्होंने $22 मिलियन कमा लिए थे और SpaceX ने तो उन्हें एक बिलियनियर बना दिया, पर ना वो शुरुआत में रुके और ना अब। और 11th चीज जो हम इलॉन से सीख सकते हैं वो है क्रिएटिविटी। और आखिरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जिसके बिना मस्क वो कुछ भी नहीं कर पाते जो कुछ भी इन्होंने किया, और वो है इनकी करेज और पागलपन। इन्होंने जो कुछ भी किया उसमें हारने के डर से जीतने की खुशी इतनी बड़ी थी कि ये उस चीज के पीछे पागल हो गए। तो इलॉन की लाइफ से बस इतना ही। आई होप कि आपको ये नॉलेज वैल्यूएबल लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके हमें ये जरूर बताइएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही हर हफ्ते दुनिया की बेस्ट बुक्स की बेस्ट लर्निंग्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर कीजिएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।